हाय फ्रेंड्स, एस्ट्रोसेज टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वरुण और अनुष्का स्टारर फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया के एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। सुई धागा मेड इन इंडिया की पहली झलक सामने आ चुकी है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही इस फिल्म में दर्शकों की बेताबी बढ़ा दी है। दम लगा के हईशा के निर्देशक शरद कटारिया ने एक बार फिर सुई धागा मेड इन इंडिया में एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को पर्दे पर उतारा है। यही वजह है कि दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने इस फिल्म में एक गरीब पति पत्नी के रूप में मौजी और ममता का किरदार निभाया है। फिल्म के कलाकारों के कपड़ों से लेकर भाषा तक हर मोर्चे पर फिल्म में गरीबी और आम आदमी के संघर्ष को दिखाया गया है। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस फिल्म की कुछ झलकियाँ। फिल्म सुई धागा का एक गाना चाव लगा आपका दिल जीत लेगा। इस सॉन्ग में वरुण और अनुष्का के बीच की लव केमिस्ट्री को दिखाया गया है। इस गाने के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और इसे कंपोज किया है अनु मलिक ने। वहीं इस गाने को आवाज़ दी है पापोन और रोनी किनी गुप्ता ने। इस गाने में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि मौजी और ममता एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं और हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर करते हैं। अब बात करेंगे हम सुई धागा मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणी की। ज्योतिषीय समीकरणों के नज़रिए से इस फिल्म को मिलीजुली सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि क्या सुई धागा मचा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर धमाल। सबसे पहले बात करेंगे डेट यानी तिथि के प्रभाव के बारे में। साधारण तौर पर फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होता है, इसीलिए तिथि को लेकर हम 9 बजे के बाद का समय लेते हैं। 28 सितंबर 2018 को सुबह 9 बजे के बाद चतुर्थी तिथि है। इस तिथि के स्वामी यम हैं। यह रिक्तता तिथि है और इसका मतलब है समाप्त। इसीलिए इस तिथि को किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तिथि का भाग नकारात्मक संकेत दे रहा है। अब बात करेंगे नक्षत्र के प्रभाव की। 28 सितंबर 2018 को भरणी नक्षत्र है। इस नक्षत्र को एक्शन, फाइटिंग, फायर और एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। यह नक्षत्र अग्नि तत्व और क्रूर स्वभाव का है। यह सामान्य व सौम्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसीलिए यह नक्षत्र फिल्म की थीम के साथ मेल नहीं खाता है। अतः ज्योतिषीय नजरिए से यह भी इस फिल्म के लिए एक और नकारात्मक बिंदु है। अब सबसे आखिर में बात करेंगे योग के बारे में। फिल्म रिलीजिंग के दिन हर्षण योग है। यह एक शुभ योग है और मनचाही इच्छा को पूरी करने में मदद करता है। साथ ही यह योग किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए भी अच्छा माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन तीन बिंदुओं में सिर्फ यही एक बिंदु है जो इस फिल्म की कमर्शियल सफलता की ओर इशारा कर रहा है। अब एक नज़र डालते हैं हम अंक ज्योतिष के अनुसार सुई धागा की सफलता के बारे में। फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया का नामांक है 57। यह नंबर न तो भाग्यशाली है और ना ही अशुभ। आर्थिक सफलता की दृष्टि से भी यह अंक शुभ नहीं माना जाता है। यह नंबर मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि व सफलता को दर्शाता है, इसीलिए यह फिल्म बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा बेहद सराही जाएगी। फिल्म के रिलीज होने की तारीख 28 सितंबर 2018 है। अंक ज्योतिष में 28 तारीख का स्वामी सूर्य होता है। यह तारीख अनुष्का शर्मा की जन्मतिथि से मेल खाती है। 28 सितंबर 2018 का भाग्यांक है 3। यह नंबर वरुण धवन की जन्मतिथि से शुभ संयोग बनाता है। तो कुल मिलाकर हमारा ज्योतिषीय आकलन यह कहता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेस शायद न मिल पाए, साथ ही यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित न हो पाई। लेकिन इस फिल्म के विषय और कहानी को समीक्षकों द्वारा पसंद किया जाएगा, साथ ही दर्शक अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की एक्टिंग को पसंद करेंगे। स्टार रेटिंग के तौर पर एस्ट्रोसेज की तरफ से सुई धागा मेड इन इंडिया को दिए जाते हैं 5 में से 3.5 अंक। सुई धागा की पूरी टीम को एस्ट्रोसेज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।